तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी हेल्दी डिलीशियस रेसिपी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए फूडोपीर चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूडोपीर। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। मूंग दाल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक कप मूंग लिया है, खड़ी मूंग लिया है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोने रख दिया था। आप चाहे तो रात भर भी रख सकते हैं। थोड़ा सा सोयाबीन लिया था, इसे भी मैंने 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिया था। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। जब हम इसे हाथ से दबाएं तो अच्छे से दब जाना चाहिए। पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जितना मूंग लिया है उससे थोड़ा सा कम पानी लिया है। आधा चम्मच नमक ऐड करना है, आधा चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करने रख देना है। आप चाहे तो यहाँ पर मूँग दाल भी ले सकते हैं, बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मूंग जो है पककर रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, इसे हमें ठंडा होने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए रख देना है। तो 8 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो 4 मिर्ची लिया है हरी वाली, ये थोड़ी तेज़ है। आप अगर मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो ये जो मूंग है इसी के साथ में मैं यहाँ पे मिर्ची और ये जो अदरक का पेस्ट है इसको भी मैं यहाँ पे पीस लूँगी। इसे मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया था तो मैंने सोचा कि उन्हें इसी में डाल दूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पर अगर लहसुन डालना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी लहसुन की करीबी 5 से 6 डाल सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से हमें पीसना है, बिल्कुल चिकनी दाल पीसना है हमें। बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसे एक कटोरे में पलटा देंगे और एक कटोरी मैंने आटा लिया है। जिस कटोरी में आपको मैंने मूंग दिखाया था उसी कटोरी में एक कटोरी मैंने आटा फूल लिया है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे सौंफ पाउडर। अगर आपको सौंफ का पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और 1/4 स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूंगी चाट मसाला। आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस थोड़ा सा डाल सकते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर रोस्टेड किया हुआ है, आधा चम्मच नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिएगा। ऑयल आप देख सकते हैं 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम पराठे बनाएंगे तो एकदम खस्ता बनेंगे, बहुत ही बढ़िया पराठे बनेंगे। अगर आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी पराठे लगेंगे। क्योंकि रोज़ हमें नई नई चीज़ें सोचना पड़ता है, रोज़ ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं क्या बनाएं। तो ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही इजी सिंपल है और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है बनाने में। डो रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि दाल का जो पेस्ट है इसी में हम आटा को गूँथ लेंगे। अगर आपका डो थोड़ा सा मतलब गीला हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा आटा मिला लीजिएगा। और डो जो आप देख रहे हैं ना, एकदम से हमें रोटी की जैसे नहीं रखना, थोड़ा सा उससे थोड़ा सख्त रखना है, तभी पराठे आपके अच्छे बनेंगे। इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है, उसके बाद हम यहाँ पर पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मूंग दाल के पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हम फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा सा बॉल हम ले लेंगे हाथ में इस तरह से, आप छोटे बड़े बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मोटे पसंद है तो आप थोड़े सा बड़ा मतलब लोई ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पतले पतले बनाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़े पतले ही पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। तो पराठे दो तरह से बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का आपको बनाकर दिखाऊंगी। वैसे दोनों पराठे में मतलब कंपेयर करें तो ट्रायंगल शेप वाला जो पराठा है ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बनाकर देखिएगा कभी, गोल वाला और ट्रायंगल दोनों को एक साथ खा के देखिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें जो हम ऑयल या घी जो लगाते हैं इसके कारण ये जो पराठा है बहुत ही अलग इसमें टेस्ट आता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा छिड़क देंगे। तो पराठे बनाने के लिए आप ऑयल या घी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से छिड़क देंगे ऑयल लगाने के बाद में, तो पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इसे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पराठा है बनकर रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे
दोनों तरह से पराठे बना लिया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सभी पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो पराठे बनाए हैं, इसी को हम सेक लेते हैं। तो चलते हैं गैस के पास में। तो मैंने यहाँ पे पैन गर्म करने के लिए रख दिया है और पैन जो है अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है और पराठे को हमें इस तरह से डाल देना है। आप चाहे तो बिना ऑयल के रोटी जैसे भी सेक कर रेडी कर सकते हैं अगर ऑयल पसंद नहीं है। तो अगर ऑयल पसंद है तो आप अच्छे से डालिएगा इसमें बढ़िया से। आप इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम रख के ही पराठे बनाइएगा, नहीं तो अगर आप तेज़ कर देते हैं तो पराठे जल जाएंगे, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जितना हम कम गैस में पराठे सेकेंगे उतने ही अच्छे टेस्टी पराठे बनेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, उसके साथ साथ देखने में कितना खस्ता पराठा लग रहा है। तो जैसा दिख रहा है वैसा खाने में भी लगेगा। तो इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप में बनाया है पराठा, इसको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो पसंद है ऑयल घी, आप उससे पराठे को सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों पराठे को सेक लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको पराठा दिखा रही हूँ। देखिए इसकी जो लेयर है कितनी ज़बरदस्त लग रही है और अंदर से आप देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिए। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अपने फीडबैक देना ना भूलिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।